मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के इंतजार करने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर। बोर्ड ने अचानक से दिया सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी और सभी छात्र होंगे अब खुश। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और गूगल में सर्च करें इंडिया रिजल्ट। इंडिया रिजल्ट डालकर सर्च करें। सर्च करने के बाद पेज इस प्रकार से ओपन होगा। होने के बाद यहाँ पर टच करें, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार लिखा हुआ है, इनको टच करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इनको टच करें। पेज इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पर आकर के रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। मैट्रिक रिजल्ट 2020 लिखा हुआ है और यहाँ पर नाउ अवेलेबल है, यहाँ पर भी नाउ अवेलेबल जैसे लिखाएगा आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। और ये देख सकते हैं बिहार बोर्ड का जो है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और इस पर अभी ट्वीट करके काफ़ी बड़ी खबर की जानकारी दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कहा गया है कि श्री अनंत किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कर कोविड-19 के बचाव से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की शेष उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने के संबंध में समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो काफ़ी बड़ी खबर है और विचारोपरांत वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की शेष उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में समिति द्वारा आगामी 2 दिनों में निर्णय लिया जाएगा और जिसके संबंध में सूचना दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड जो है अब मानने वाला नहीं है, भले लॉकडाउन के लिए जो है कि तिथि 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड जो है इसी बीच में मूल्यांकन का कार्य कराएगा और 2 दिन में है कि आपको यहाँ पर तिथि मिलेगा कि मूल्यांकन कार्य जो है कब से किया जाए और जल्द ही 10 दिनों के अंदर में मैट्रिक रिजल्ट की खुशखबरी मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि अब जो है कि अनंत किशोर बोर्ड अध्यक्ष मानने वाला नहीं है, रिजल्ट जारी करेगा ही, क्योंकि यूपी बोर्ड का भी जो है कॉपी चेक 5 मई से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड